हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से अच्छी हूँ। तो पिछले कल आपने देखा कि हम परसों शिमला आ गए थे एक्चुअली। तो जब हम आए तब का हम व्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न मैं बना ही नहीं पाई। कुछ शायद आई थिंक मेरे पास बैटरी नहीं थी, कुछ ऐसा इशू था, तो मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। एंड कल वाला व्लॉग आपने देखा कि कल हम हॉस्पिटल गए थे बिकॉज पापा को अपनी पापा ने कुछ चेकअप करवाए थे अपने, और कुछ एक चीज़ें मतलब रिपोर्ट्स वगैरह लेनी थी, तो उस करके हम हॉस्पिटल गए थे। तो कल वाला व्लॉग आपने देखा। तो आज फिलहाल फिर से वही रूटीन। आज से पहले आपने अभी गांव में देखा हमारा रूटीन, तो शिमला में आपको पता ही है मेरा रूटीन। 10 बज चुके हैं, 10 बजे से मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं आज तो लेट ही उठी हूँ, सो के 9 बजे तो सो के उठी हूँ। फिर उसके बाद फ्रेशनअप हुई, झाड़ू वगैरह एंड ऑल जो भी ये सारी चीज़ें रहती है, ब्रेकफास्ट वगैरह ये सारी चीज़ें करके, तो अभी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए और आज का ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो अभी तो हम फिलहाल अब ब्रेकफास्ट करेंगे, और रांचल भी अभी उठी है और अभी गई है वो वॉशरूम फ्रेश होने। तो इसके बाद देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और आजकल तो आपको पता ही है शिमला में फॉग इतनी फैली होती है कि बाहर दिखता ही कुछ नहीं है। तो अभी बारिश तो हो नहीं रही है लेकिन फॉग इतनी फैली है, पार वाली साइड आर वाली साइड कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आप बने रहिए व्लॉग में और प्यार एंड सपोर्ट कीजिए, देखते रहिए। और अगर आप सिर्फ देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं हम। सो गाइस, आज के व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप सभी अच्छे से मनाएं एंड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। तो ऑफ कोर्स शिमला में तो बनता भी है बहुत अच्छे तरीके से, तो होप सो हर जगह ही बना रहे होंगे इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। हर किसी का अपना अपना तरीका इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का, तो आप भी कीजिए। और हम अभी बस अब ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस दिन के 1 बज चुके हैं और अब मैं लंच की तैयारियां कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने लेट ही करा। 11 बजे तक हुआ था हमारा ब्रेकफास्ट, मतलब 10:30 बजे हुआ था। तो मैं अब सोच रही हूँ मैं क्या कर देती हूँ, मैं लंच बना देती हूँ शाम के लिए। ना हमारे पास क्या बचा है, पालक बचा है, पालक की सब्जी हम शाम को बनाएंगे। और अभी हम सोच रहे हैं अभी हम ना मिक्स वेज बना देते हैं, पालक हम शाम को बनाएंगे, फिर शाम को फुलके और सब्जी खाने को आएगी। ये देखिए यहाँ पे मेरा मसाला तैयार हो चुका है, मसाला मैंने काट दिया है यहाँ पे। तो अब मैं ना इसको बना देती हूँ, पहले लंच तैयार कर लेती हूँ अपना। छुरी को लगा देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे ना मैंने कूड़ा रखा था मैं कहा ताकि मैं बाद में डाल सकूँ, इसको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो शाम के लिए हमारे पास ये पालक है, शाम को हम पालक की सब्जी बनाएंगे। अभी पालक तो वैसे जल्दी ख़राब नहीं होता, पर आज शाम को बनाना ही पड़ेगा। पूरे आंसू आ गए मुझे तो। तो अब मैं ना लंच की तैयारी करती हूँ, लंच बना देती हूँ, फिर हम लंच करेंगे, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज का रूटीन तो ऐसा ही है कुछ। ये देखो गाइस मेरी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, अब इसको मैं थोड़ा सा पकने देती हूँ, फिर इसमें चावल डालूंगी। तो अब मैंने फ्राइड राइस लगा दिया यहाँ पे बनाने के लिए। फ्राइड राइस क्या पुलाव जिसको बोलते हैं, पुलाव बना रही थी मैं आज। तो अब देखते हैं जब तक पकेगा, जब पकेगा उसके बाद ही हम लंच करेंगे। तो अभी मैंने बना दिया है और इसके बाद हम लंच करेंगे। अभी तो टाइम कितना हुआ है, वैसे भी 1:31 हुए हैं, 2 बजे के लिए हमारा लंच तैयार हो जाएगा। तो 2 बजे हम लंच करेंगे, अभी फ़िलहाल अब पकने का वेट करते हैं। तो अभी ना मैं थोड़ा बाहर को आई थी क्योंकि मुझे दही लेनी थी, फिर मैं दही लेने आई थी और मैंने दही ले लिए है, अब चलते हैं अंदर की ओर। तो गाइस अभी ना मैं बाहर गई थी क्योंकि मुझे दही लेना था। अब घर पर तो ऐसा होता है ना कि सारी चीज़ आपको घर पर ही मिल जाती है, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। अब बाहर रहना है, बाहर तो खरीदना ही पड़ता है,
फिर पुलाव के साथ दही अच्छी लगनी थी, और बिना दही से पुलाव अच्छा भी नहीं लगता। ओए तूने गैस बंद किया? इसको देखो, देखो यहाँ यहाँ बैठी पड़ी है मस्त आराम से, देख रहे हो? तो अब हम लंच करेंगे बस थोड़ी देर में, हमारा खाना तैयार ही हो गया, ठंडा होने देते हैं फिर लंच करेंगे। तो गाइज अभी ना 5:30 हो चुके हैं और अभी तक ना हम सोए हुए थे, आंचल भी अभी उठी है सो के और मैं थोड़ी देर पहले उठ गई थी सो के। तो आज मैंने पूरा पूरा कुछ नहीं किया क्योंकि लंच करने के बाद हम ना सो गए थे, फिर मैंने कुछ छूट भी नहीं किया। तो अभी मेरा मन कर रहा था कि चाय पी लेते हैं, अभी चाय पीने का मन कर रहा था। तो क्योंकि घर पे इस टाइम हम हमेशा चाय पीते हैं तो रूटीन बन गया है एक चाय पीने का, ना मन करता है इस वक्त। तो मैं भी सोचू अभी बड़े से अभी ना दूध पाउडर ही लेके आती हूँ एक, फिर उसके बाद चाय बनाती हूँ। अभी है ना मैं दूध पाउडर लेके आ गई हूँ, तो अभी हम मस्त चाय बनाते हैं पीने के लिए। तूने पीनी है चाय? तो आंचल को भी पीनी है चाय, तो बनाते हैं अभी। तो यहाँ मैंने ना इसमें मैंने मिला के इसमें डाल दिया था दूध पाउडर, और अब हमारी चाय बन के तैयार हो जाएगी। तो उबाल देते हैं चाय थोड़ा। अभी मस्त मैं चाय पी रही हूँ। हाँ, बढ़िया मस्त अदरक वाली कड़क चाय बनी है। तो बस अब मैं चाय का आनंद लेती हूँ और इसके बाद तो देखते हैं हम क्या चीज़ें, आज तो कुछ भी नहीं करा तो कल देखते हैं कुछ अच्छा लेके आएंगे आपके बीच। और आज हमने बस रेस्ट ही करा, बाकी और कुछ भी नहीं करा, बस बैठे हुए थे मस्त मस्त बैठे पूरे दिन, खाना खाया, सो गए, रेस्ट किया प्रॉपर, बाकी तो कुछ। वैसे तो घर पे भी कौन सा हम पहाड़ खोद रहे थे, हम तो घर पे भी रेस्ट ही करते हैं, लेकिन फिर भी चलो आज तो अब कल से देखते हैं चीज़ें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको फिर हो सकता है कि ये छोटा सा व्लॉग आपको आज उतना ज़्यादा अच्छा ना लगे, लेकिन अब मैंने डेली व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। मैं डेली बेसिस पे अपनी जो लाइफ है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो जो भी चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो होप सो आपको पसंद आई हो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड डेली व्लॉगिंग में सिर्फ यही होता है मेरे हिसाब से, जो आप डेली कर रहे हैं वो आप दिखाते हो, तो मैं भी वही आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो होप सो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।